हेलो जी, राम राम। और आज मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने पास्ता लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको वॉश करने के बाद यहाँ पे मैंने ये पानी को उबाल लिया है और अब इसमें डालेंगे नमक। ये देखिए, पानी में डाल रहे हैं नमक और 1 चम्मच डाल रहे हैं इसमें तेल। और ये 1 चम्मच डाला है मैंने तेल। पानी हमारा उबल रहा है और अब इसमें डालेंगे अपना पास्ता। आप यहाँ पे कोई भी पास्ता ले सकते हैं या मैक्रोनी, मैंने ये वाला पास्ता लिया है। तो इसको उबाल लेते हैं। इसको उबलते हुए पानी में ही डालना है। पास्ता हमारा उबल रहा है, जब तक हम अपनी सब्जियां तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे पास्ता हमारा उबल गया है। और ये देखिए, एक पास्ता मैंने कट करके भी देखा है जो कि बिल्कुल सही पका है। तो गैस कर देते हैं अब बंद और पास्ता को छान लेते हैं। ये देखिए, पास्ते को अच्छे से मैंने पानी में धो लिया है और पास्ते को ठंडा कर लिया है, बिल्कुल ठंडे पानी से धोया है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध लिया है। और ये देखिए, 1 तेज़पत्ता, 1 लौंग और 1 प्याज का टुकड़ा, ये तीनों चीज़ हमें इस दूध के साथ उबालना है इसको। इस दूध को उबाल लेते हैं और यहाँ पे अपनी सब्जियाँ फ्राई करते हैं। तो सब्जी फ्राई करने के लिए मैंने लिया है एक फैन। ये फैन में मैंने ऑयल डाल लिया है और अब हमें इसमें करनी है अपनी सब्जियाँ फ्राई। तो मैंने ये थोड़ा सा लहसुन लिया है जिसको बारीक काट लिया है, और शिमला मिर्च लिए, प्याज और ये थोड़े से स्वीट्स कॉर्न। देखिए, तेल हमारा गरम हो गया और इसमें डाल रहे हैं अब लहसुन, हल्का सा लहसुन को भून लेते हैं। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2-3 सेकेंड। चलो, और अब इसमें डाल रहे हैं अपने प्याज। शिमला मिर्च और अपने स्वीट कॉर्न भी डाल देते हैं। इनको अच्छे से पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा बस कच्चापन निकल जाए इनका, क्योंकि व्हाइट सॉस पास्ता वगैरह में सब्जियां हमारी कच्ची कच्ची ही होती है, सब्जियों का टेस्ट आता है। यहाँ पे हमारा दूध भी बॉइल हो गया और गैस को मैंने बंद कर दिया। दूध में से ये तेज पत्ता निकाल देते हैं। सब्जी हमारी फ्राई हो गई है और ये सब्जियों को निकाल लेते हैं फैन से। इसी फैन में मैंने बटर ले लिया है
और ये मैंने 2 चम्मच लिया है मैदा व्हाइट सॉस के लिए। और मैदा को हल्का सा भून लेते हैं। ये देखिए अब इस मैदा को थोड़ा सा भून लेते हैं और इसके अंदर डालेंगे फिर दूध। ये देखिए मैदा हमारा भून गया है और जो हमारा उबला हुआ दूध है इसके अंदर डालना है थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से सारा नहीं डालेंगे। इसमें स्टार्टिंग में हल्की हल्की गांठें होती हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे मिक्स हो जाएंगे। इसको धीरे धीरे मिलाते रहो। और इसमें डाल रहे हैं अब चीज की स्लाइस। मैं इसमें 3 स्लाइस डाल रही हूँ। अगर आपके पास चीज है तो डालो, नहीं है तो मत डालो, कोई जरूरी नहीं है। बगैर चीज के भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। ये देखिए सॉस हमारा तैयार हो गया है और इसमें डाल रहे हैं हम अपनी सब्जियां। इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालना। और थोड़ी सी डाल रहे हैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। और थोड़ी सी डाल रहे हैं इसमें काली मिर्च। बस इसमें डाल देते हैं अपना पास्ता। और इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस सॉस थोड़ा हमारा गाढ़ा हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ और डाल रहे हैं, ये है जायफल, और जिसको हम थोड़ा सा घिस के इसके अंदर डाल देंगे। व्हाइट सॉस पास्ता के अंदर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। बस इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है। तो व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।